नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी समस्या के बारे में जिसके कारण आप बहुत ही ज़्यादा परेशानी में पड़ सकते हैं। अगर आपने सिक्योरिटी सिस्टम आपके घर में इंस्टॉल है पहले से, तो आपके लिए ये एपिसोड बहुत ही ज़रूरी है। और अगर नहीं है, भविष्य में आप करवाने के इच्छुक हैं, तो भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिसे सिक्योरिटी सिस्टम या फिर सीसीटीवी कैमरे की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या कही जाती है। और इसके कारण बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे केस को मैंने देखा है कि वो लोग जेल भी जा चुके हैं इस तरह की गलतियों के कारण। तो दोस्तों, ऐसे कौन सी गलतियां हैं या ऐसे कौन सी परेशानी है जो हमें सावधान रहनी चाहिए और हमें समय रहते इसे दूर करनी चाहिए, चलिए आज मैं आपको इस एपिसोड में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, हमारे एपिसोड को पूरा देखें और देखते हैं ये समस्या कौन सी है। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि आपके DVR में, आपके डिस्प्ले में जो रिकॉर्डिंग का जो सिग्नल है वो कंप्लीट आपको दिखाई देता है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, और जब आपके यहाँ कोई ऐसी वारदात होती है या कोई ऐसा केस होता है जिसके कारण आप काफ़ी परेशानी में पड़ जाते हैं, बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उस समय आपको वीडियो फुटेज आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। और वीडियो फुटेज के कारण बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लोग निकल कर बाहर आए हैं। तो जब आपके यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, आपके DVR में रिकॉर्डिंग सिग्नल भी सही शो कर रहा है, मगर प्लेबैक में आपका रिकॉर्डिंग शो नहीं कर रहा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर प्लेबैक में आपका रिकॉर्ड नहीं शो कर रहा और किसी ने आपको किसी गलत केस में फंसा दिया है, तो आप बुरी तरह से फंस जाएंगे। सिक्योरिटी सिस्टम आपके लिए किसी काम का नहीं रह जाएगा। अगर रिकॉर्डिंग हो रहा है फिर भी आपके प्लेबैक में वो शो नहीं कर रहा है, तो फिर आप बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। इसका क्या समाधान है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात यह है कि रिकॉर्डिंग सिग्नल को हम देखते हैं, बहुत सारे लोगों में ये बहुत बड़ी समस्या मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं कि प्लेबैक को तभी वो चेक करते हैं जब उनके यहाँ कोई घटना या कोई वारदात होती है। ऐसा नहीं है, आप डेली चाहे 10 मिनट ही सही, आप प्लेबैक को जरूर चेक करें कि आपके DVR में रिकॉर्डिंग, आपके हार्ड डिस्क में जो CCTV की फुटेज है वो रिकॉर्ड हो रही है या नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल है सभी लोगों के लिए। अगर नहीं हो, अगर रिकॉर्डिंग सिग्नल आपको दिख रहा है तो आपको ऐसा लगता है कि वो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ है कि रिकॉर्डिंग सिग्नल दिखने के बाद भी रिकॉर्ड आपके DVR में नहीं होता है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ उस समय होता है जब आपके DVR का जो टाइम है, DVR का जो डेट है वो गलत हो। कभी आप लोग अगर इस बात पर गौर नहीं करते हैं तो इसे पूरा ध्यान दीजिएगा, डेली DVR के डेट और टाइम को चेक कीजिएगा, क्योंकि जब 6 महीना, 7 महीने या 1 साल आपके आपके सिक्योरिटी सिस्टम का हो जाता है, तो उस समय ऐसी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। और अगर आप इसे लाइटली ले रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि आपके लिए डिफेंड करने के लिए आपके पास कुछ नहीं रहेगा अगर आपके साथ कोई घटना होती है तो इसे आप पूरी तरह से ध्यान में रखें। अगर डेट गलत है तो प्लेबैक में जाकर आप करंट डेट को नहीं, जो डेट आपके DVR में शो कर रहा है उसी डेट में जाकर आपको वो प्लेबैक आपको मिलेगा। अदरवाइज आपको सीधा सीधी आपके DVR स्क्रीन पर लिख दिया जाएगा, योर रिकॉर्डेड फाइल इज नॉट मैच्ड। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो डेट और टाइम आपके DVR में डिस्प्ले में दिख रहा है, आपको प्लेबैक में भी वही टाइम और डेट को सिलेक्ट करना होगा, तो आपको कुछ मिलेगा। और अगर नहीं मिल रहा है, फिर भी नहीं मिल रहा है, तो आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको सिर्फ ये करना होगा कि आपके DVR में एक लिथियम बैटरी होती है जो कि 3 वोल्ट का होता है, उसे आपको 3 वोल्ट का होता है, C1220 नंबर है, उसे आपको निकाल कर आपको नया उसमें डालना होगा। किसी भी घड़ी की दुकान में आपको मिल जाएगी, और अगर नहीं मिलती है तो ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जहां से आप परचेस कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी परचेस कर सकते हैं। और कैसे बैटरी को चेंज करना है, चलिए वो मैं आपको अभी बताता हूँ। दोस्तों, ये एक हिकविजन का DVR है, और चलिए मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ कि हिकविजन के DVR में जो लिथियम बैटरी है जिसके कारण ये टाइम की जो समस्या आती है, इसे कैसे हम दूर करते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े टेक्नीशियन की ज़रूरत है, बहुत बड़े आप इंजीनियर को बुलाएं, आप छोटी छोटी सावधानियों से आप अपने जो पैसे हैं जिसे आप मेहनत से कमाते हैं उसे आप बचा सकते हैं। तो करना क्या है, ये हिकविजन का DVR है, इस फेस में आप 72 सीरीज के DVR को आपने देखा होगा, ये DVR आता है,
और एक वाइट कलर का भी आता है जो 71 सीरीज में या इको सीरीज में आता है, ठीक है। दोनों में सेम प्रोसेस है। सबसे पहले इसके स्क्रू को आप खोल लीजिए। अब मैंने स्क्रू को निकाल दिया है, पहले से मैंने निकाल के मैंने रखा हुआ है, तो ये पीछे भी ये स्क्रू होता है, मैंने इसे निकाल दिया, ठीक है। इसे निकालने के बाद कुछ इस तरह का सरफेस हमें देखने को मिलता है डीवीआर के अंदर। अब डीवीआर के अंदर जो ये वाले जो स्पेस है, ये जो है यही है बैटरी, जिसे हम लोग लिथियम बैटरी करते हैं, जो कि 3 वोल्ट का होता है, 3 वोल्ट का होता है, जिस और इसका नंबर है CR1220, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मैंने थोड़ा जूम किया है, शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक। और इसे निकालना बहुत ही आसान है। अगर आपको लगता है आपके पास अगर चिमटा है तो आप चिमटा से निकाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे बस इसे आप खींचे, ये वाला जो है, खींचने के बाद अपने आप ये बैटरी जो है, देखिए ये बाहर आ रही है, और इसे आप ऐसे करके उठा ले, और अगर ठीक से नहीं, हाँ अगर वो चिमटा आता है, एक चिमटा से भी आप निकाल सकते हैं, हालांकि हम लोगों को प्रैक्टिस है तो हम लोग निकाल लेते हैं इसे, ठीक है। तो ये मेरा बैटरी बाहर है। इस बैटरी को आप देख लें, देखिए इसका जो नंबर है ये 1220 है, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, ये 1220 की बैटरी है, ठीक है। ये 1220 की बैटरी, देखिए 3 वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको किसी भी घड़ी के शॉप में आपको मिल जाएगी, और घड़ी के शॉप में अगर आपको नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन इसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इसे आप परचेज कर लें, और इसे लगाना बहुत ही आसान है, बस इस तरह से डालें और ऐसे आप ताप दें, ये आपका लग गया। निकालने के लिए बस इसे ऐसे पिन करें, ये ऐसे निकल जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो ये आप इस तरह करके डाल दें, हो गया काम। इसके बाद इसे आप ढक्कन को आप लगा दें, इस तरह से, और बाकी जो स्क्रू वगैरह है इसे आप कस दें, और सिंपल सा जिस तरीके से लगा हुआ था भी, यहाँ तो पता है आपको BNC कनेक्टर को इस पोर्ट पे डालना है, और अगर ऑडियो वगैरह लगा रहा है तो ये इन ऑप्शन है, और यहाँ पर ये आपका। उसके बाद आप कॉन्फ़िगरेशन में जाके आप अपने DVR के टाइम को सही करके अप्लाई कर दीजिए, फिर ये आपका ओके हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है CCTV के जो DVR होते हैं, उससे जो टाइम का प्रॉब्लम होता है, जो लिथियम बैटरी, उसे आप निकाल कर आप नया बैटरी डाल सकते हैं, ये प्रोसेस। लेकिन सभी DVR में ये गौर करने वाली बात है कि ये सक्सेस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी जो DVR में जो लिथियम बैटरी को जो अटैच करके देते हैं, वो आम आदमी के लिए मुश्किल है। सिर्फ हिकविजन के DVR में ये बहुत ही आसान होता है, इसलिए हिकविजन के DVR के बारे में आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ, मैं हिकविजन के लिए हमेशा आपको सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली है, और बहुत इसमें बहुत ही कम कॉस्ट पे आपका सिस्टम भी हो जाता है, और अच्छी क्वालिटी भी आपको मिलती है। पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा ब्रांड है हिकविजन का, और मैंने अभी भी बताया कि कितना आसान था लिथियम बैटरी को निकालकर नई बैटरी को डालना और टाइम को चेंज करना। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ मेरा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसके लिए मैं सारी वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपको नॉलेज मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिए, ये नॉलेज उनको भी पहुँचे। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई सवाल हो तो कॉमेंट बॉक्स में पूछ दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।